स्वागत है आपका हमारे चैनल फेयर रिकैप्स में और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अ वुंडेड फॉन। 2022 में रिलीज की गई ये रियल ग्रीक माइथोलॉजी मूवी है। मूवी के शुरुआत में एक इंग्लिश डिस्क्लेमर हमें दिखाई देता है जो कहता है, आई सडनली बिकेम अवेयर दैट आई वाज बोथ मॉर्टल एंड टचेबल एंड दैट आई कुड बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि मैं अमर नहीं हूँ, मैं भी मर सकता हूँ। और इसी के साथ हमें बताया गया है कि कैसे ग्रीक गॉड ने 3 संत बनाए थे जो कि ऐसे आदमी को मारे जो दुनिया में दहशत फैला रहा है। फिल्म की शुरुआत में हमें बिडिंग दिखाई देती है जो कि हो रही है ग्रीक पोर्ट्रेट के लिए। ये एक ओरिजिनल पोर्ट्रेट है द स्टैचू ऑफ अरीनास के लिए। वहां पे काफी जन एग्रेसिवली अपनी बिडिंग लगा रहे हैं और यानी अपनी बोली लगा रहे हैं। वहां पे ब्रूस नामक एक लड़का हमें दिखाई देता है जैसे वो पोर्ट्रेट में खो के अपने लिए कुछ हासिल करना चाह रहा हो। और दूसरी तरफ हमें केट दिखाई देती है जो कि फोन पे किसी और के लिए बिडिंग कर रही है और वो जीत जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि ब्रूस की दीवानगी ये स्टैचू उसको लेकर केट के घर पहुंच जाता है और केट उसको जानते हुए उसको अंदर बुला लेती है, पर ब्रूस उसकी जान ले लेता है। और उसकी जान लेते वक्त हमें एक अजीब सी आउल यानी कि उल्लू जैसी एंटिटी दीवार पे दिखाई देती है, यानी कि उसकी परछाई दिखाई देती है और वो वहां से स्टैचू चोरी करके भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है मेरिडिथ नामक ये लड़की के ऊपर। मेरिडिथ ग्रीक हिस्ट्री को पढ़ रही है और वो रेगुलरली साइकेट्रिस्ट के पास जा रही है क्योंकि इसका हाल ही में ही ब्रेकअप हुआ है एक लंबे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से। वो काफी परेशान है पर अब उसकी सेशंस अच्छे जा रहे हैं और उसे ऐसा लगता है कि शायद उसे अपने जीवन साथी की सोच के लिए बदलाव लाना चाहिए। और इसीलिए जब वो अपने दोस्तों को मिलती है, वो दोस्तों को बताती है कैसे उसको ऑनलाइन एक लड़का मिला है और उसे थोड़ा सा पसंद आने लगा है। और पल भर में हमें दिखाई देता है कि मेरिडिथ अपने बैग पैक करके इस लड़के को मिलने जा रही है, यानी कि उसके साथ कुछ समय बिताने की प्लानिंग जरूर दिखाई देती है। पर दोस्तों जैसे ही कैमरा जूम इन होता है हमें दिखाई देता है कि ये लड़का कोई और नहीं ब्रूस ही है और ब्रूस की आंखों में वो शरारत वो हैवानियत दिखाई दे रही है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है ब्रूस तो काफी वेल बिहेव्ड होता है इसलिए हमें लगता है कि ये तो डेट अच्छी जा रही है। पर जल्द ही वो उसे ऑफर करता है कि चलो मेरे कंट्री साइड घर में चलते हैं। वो दोनों घर जाते हैं, ब्रूस के घर में वाइन का ग्लास पी रहे हैं, आजू बाजू चीजें देख रहे हैं। मेरिडिथ की नजर उतने में ही वो स्टैचू पे पड़ती है। वो उतने में ब्रूस से पूछती है कि ये स्टैचू तुम्हें कैसे मिला, तो वो बोलता है अरे ये स्टैचू तो ओरिजिनल नहीं है, ये तो एक रेप्लिका है पर ये मुझे पसंद है इसलिए यहाँ पर है। वो बोल के किचन के तरफ खाना लगाने चला जाता है पर उतने में मेरिडिथ स्लाइली फोटो खींच के अपने दोस्त को भेज देती है। वो अपने दोस्त से पूछती है कि क्या ये ओरिजिनल है। मेरिडिथ का भरम टूट जाता है और अफखौफ उसकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है क्योंकि ये है ओरिजिनल और वो जानती है कि ये बिडर जिसके पास था वो भी काफी टाइम से गायब है। चिंता और डर अब मेरिडिथ के शक्ल पे दिख रही है। वो हलाल होके ब्रूस से कहती है कि मुझे घर जाना है। वो कहता है चलो चलते हैं। अब उसको समझ आ चुका है क्योंकि हम उसका सामना एक एंटिटी से देखते हैं जो कि उसे पूछ रही है कि तुम एक्शन कब लोगे, यानी कि तुम कब मारोगे। मेरिडिथ जैसे ही गेट के पास जाती है वो पीछे से हमला करके उसको मार के घायल करके नीचे गिरा देता है और उस पे अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी करने लगता है। हमें ब्रूस वहां पे वो उल्लू वाले एंटिटी से वापस बात करते हुए दिखाई देता है। हमें यहाँ समझ तो नहीं आ रहा कि क्या ये उसके दिमाग का भरम है, ये सच में कोई भूत पिशाच उसके आजू बाजू है। वो जैसे ही उसकी शव के पास दोबारा जाता है उतने में मेरिडिथ उस पे हमला कर देती है, यानी कि मेरिडिथ अभी तक मरी नहीं है। उतने में वो उसको मार के नीचे गिरा देती है और अब ब्रूस को केट भी दिखाई दे रही है, यानी कि उसको केट की आत्मा भी दिखाई दे रही है। वहां से उसके चुंगल से निकल कर मेरिडिथ बाहर जंगल की तरफ भाग जाती है। ब्रूस उसके पीछे पीछे एक सर पे कपड़ा बांधे बाहर भागता है। जैसे वो वहां पे जाता है उसको एक और अजीब चीज दिखाई देती है। सामने 3 कंटेनर होते हैं। उसके पास जाने पे उसे पता चलता है कि एक कंटेनर के अंदर एक लड़की की शव है जिसको हम ली के नाम से जानते हैं।
दूसरे कंटेनर में भी आतड़ियां पड़ी हुई हैं केट की, यानी कि केट और ली तो मर चुके हैं, और तीसरा कंटेनर खाली क्यों है ये देख के हमें समझ आता है कि शायद उसमें मेरेडिथ की लाश होने वाली थी। वो दोबारा गाड़ी निकाल के पीछे भागने लगता है ढूंढने के लिए कि आखिर मेरेडिथ कहाँ गई, पर सामने दोबारा केट आ जाती है। इससे हमें अजीब सी ब्रूस से सीरियल किलर वाइब आती है, यानी कि ब्रूस ने पहले भी शायद अपने माता पिता की हत्या की है। वो बार बार उसे फ्लैशेस और विजन्स आ रहे हैं वही स्टैचू ऑफ एरिना के, यानी कि वही पोर्ट्रेट, वही स्टैचू जो वो चुरा के बैठा है। उस स्टैचू को अगर हम गौर से देखेंगे तो हमें दिखाई देता है कि तीन जन एक आदमी को मार रहे हैं और वो आदमी खुद अपनी जान भी लेना चाह रहा है। जैसे ही वो शैडो के पीछे चला जाता है उसे एक मास्क में औरत दिखाई देती है और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये ग्रीक गॉडेस ऑफ डेथ है जो कि उससे हिसाब मांग रही है। वो जब उससे पूछती है कि क्या तुमने इनका खून किया है, वो कहता है कि नहीं मैंने नहीं किया है, इसलिए वो उसे उत्साहने लगती है अपनी ही जान लेने के लिए। वो साए केट के ली के और वो गॉड ऑफ डेथ उसके सामने आने लगते हैं उसकी जान लेने के लिए, और हमें पता चलने से पहले ही ब्रूस अपनी हत्या खुद कर लेता है और वो आउल की एंटिटी हमें दोबारा दिखती है। तो क्या दोस्तों ये दिमागी तौर की बीमारी है या सच में वहां पे कुछ हॉन्टेड हुआ था या सच में वहां पे भूत पिशाच थे? देख के हमें ये साइकोलॉजी थ्रिलर में ऐसा लगता है कि उसने वो ग्रीक पोर्ट्रेट को अपने दिमाग में इस कदर बसा लिया था कि वो उसको रेप्लिकेट करने जा रहा था, यानी कि वो मारेगा लोगों को, तीन जनों को। स्पेशली उसे फेमिनिस्ट किस्म की लड़कियां नहीं पसंद थी, इसलिए वो उसकी सॉफ्ट शिकार होती। और इसी के साथ होती है आज की हमारी ये मूवी खत्म। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए फेयर रिकैप्स।